देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, एमएम पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। चंद्रान गुट्टा एमएलए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज KG2PG कॉलेज बंदागुड़ा में 157 BC चेक्स अवाम में तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत 1,57,00,000 रुपये बताई गई है। इन सब में ये मैसेज भी दिया कि KG2PG कॉलेज में हिंदू, सिख, ईसाई सब के लिए दाखिले जारी हैं। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। उर्दू भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। मैं आप सबसे यही बात कहूंगा कि आज आप जहां पर बैठे हैं ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। यहां पे हम कोई कमर्शियल या फीस लेकर बच्चों को पढ़ा, फीस लेकर हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। यहां पर फ्री हम बच्चों को पढ़ा रहे और ये एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 14 हमारे बिल्डिंग्स हैं। हमारे स्कूल में एडमिशन दिलाइए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल में अगर नहीं है तो आपके कई जूनियर कॉलेज में पढ़ने तेलुगू समझ में आती है, तेलुगू बोलना उतना साफ नहीं आता है और आप लोग तो शायद थोड़ा सा उर्दू हिंदी को समझते हैं। नीट और एमसेट की भी फ्री कोचिंग दी जाती है, उसमें भी वीडियो हमारे बगलपुरे के सेंटर में 10th क्लास की फ्री कोचिंग दी जाएगी। फ्री कोचिंग 10th, आप अपने बच्चों को भी भेजिए फ्री कोचिंग और उनके स्कूल में। और मोगलपुरा में हमारा एक स्कूल है, मोगलपुरा हरी बोली है ना, हरी बोली से बिल्कुल करीब में, वहां पर भी हमारा एक सेंटर। 9 हमारे स्कूल में टोटल 15,000 चिल्ड्रन, 15,000 मतलब तेलुगु में पद्यम बने, हाँ, तो ये 15,000 बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं हमारे पास। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ओल्ड सिटी में हर घर से निकलने वाला या हर घर में पैदा होने वाला बच्चा एजुकेशन से दूर न रहे, एजुकेशन उसको मिले, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिले या फिर हमारे स्कूल्स में मिले। और ओल्ड सिटी की डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड सिटी डेवलप कब होगा? जब ओल्ड सिटी में रहने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सब लोग अगर डेवलप होंगे तो तभी ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट होगा। अगर कोई ये कहता है कि हिंदू डेवलप हो गया तो ओल्ड सिटी डेवलप हो गया या मुसलमान डेवलप हो गया तो ओल्ड सिटी डेवलप हो गया, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में डेवलपमेंट आना है, तभी हमारा ओल्ड सिटी डेवलप। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि लोग गलत बातें करते हैं, गलत प्रोपोगंडे करते हैं
और ये बोलते हैं अरे एमएलए साहब अकबर साहब नहीं ये हिंदू का काम नहीं करेंगे, नहीं ये एमआईएम वाले मुसलमान का काम करते हैं सिर्फ, नहीं अकबर वैसी कम्युनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दूर से जो लोग बोलते हैं ना उन बातों पर यकीन करने से पहले हमारे करीब आकर देखो कि हमारे दिल में आपके लिए मोहब्बत है या नहीं। अगर हमारे करीब आने पर आपको मोहब्बत नहीं मिलती है तो जरूर आप हमसे दूर चले जाइए, लेकिन एक मर्तबा करीब आकर अपने बुरे वक्त में हमसे काम लेकर देखिए क्या हम काम करते हैं आपके लिए या नहीं करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मुझे और दे या न दे मैं आपका काम जरूर करता रहूंगा और जरूर करूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमारे स्कूल में नरकी फूलबाग इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की भी फ्री ट्यूशन दे रहे हैं, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की भी फ्री ट्यूशन दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी भेजो ट्यूशन के लिए इवनिंग में ये क्लास है। ये यहाँ पे जो लेक्चर हॉल्स है यहाँ पे 5 o'clock से लेकर 8:30 तक एमसेट नीट के क्लास होंगे, फिर 5:30 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th कोचिंग क्लासेस इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस और उसके साथ ही साथ मुगलपुरा सेंटर रक्षापुरम सेंटर ये सेंटर बाबा नगर में हम यहां पर डिग्री के भी कोचिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा अगर कोई बीकॉम में है अकाउंट्स टफ सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स टफ सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स टफ है सब्जेक्ट, तो ये इसकी भी फ्री कोचिंग हम दे रहे हैं अपने बच्चों को भेजो मेरी आपको। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं एजुकेशन नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज जरूर आपको 1 lakh का चेक मिल रहा है, ये जरूर आपको हेल्प करेगा आपको कुछ बिजनेस में, लेकिन ये 1 lakh कब तक रहेगा? 1 lakh 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल, मगर एजुकेशन ऐसा है एक वक्त हम अगर एजुकेशन ले लेते हैं ना कितना भी बांटो लाइफ लॉन्ग खत्म नहीं होता वो बढ़ते ही जाता। बिगेस्ट वेल्थ इज द वेल्थ ऑफ एजुकेशन, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमको ये हिंदू मुस्लिम झगड़े से निकलना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आओ आप हम मिलकर काम करते हैं और बताते हैं कि हम मिलकर हमारे ओल्ड सिटी को डेवलप करेंगे, हम मिलकर हमारे घरों में बच्चों को पढ़ाएंगे, हम मिलकर हमारे घरों से डॉक्टर्स इंजीनियर्स आईएएस आईपीएस आईएफएस ट्रेनिंग होंगे हमारे पूरे सेंटर्स में। वोकेशनल की भी ट्रेनिंग है मालूम आपको, वोकेशनल कोर्सेस जैसा मेहंदी डिजाइनिंग ब्यूटी पार्लर कंप्यूटर क्लासेस एम्ब्रॉयडरी क्लासेस एंड इंग्लिश क्लासेस ये सारे चीजें हैं। आप क्यों दूर है? आप भी सलीब आ जाओ, आप भी अपने बच्चियों को भेजो अपने बच्चों को भेजो। अब हमारे पास ये सेंटर है, हमने परसों 200 लड़कियां हमारी वोकेशनल का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट करें। सिर्फ कोर्स कंप्लीट करे तो हमने उनको एक ब्यूटी पार्लर का एक किट दिया उनको किट, तो अगर वो किट लेकर चले जाएंगे तो किसी भी क्लाइंट के पास जाकर वो जो भी जरूरत होगी जो भी उनका क्लाइंट बोलेगा जो भी औरत बोलेगी या दुल्हन का ब्राइडल मेकअप वो सब मेकअप का ब्यूटी पार्लर का पूरा किट ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट के साथ हमने उनको दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी आओ लियो हमसे काम, और देना नहीं देना वो आपकी मर्जी।
मगर काम तो ले हो। लोग सिर्फ आपको और हमको एक दूसरे से दूर रखते हैं इस वास्ते कि नहीं नफरत रहना है। आप और हम मिलकर नफरत दुश्मनी को खत्म करेंगे, करीब आकर और सिटी को डेवलप करेंगे, अपने आप को भी डेवलप करेंगे। ये हमको एक मैसेज लेकर जाना होगा, आगे बढ़ना होगा। आपने देखा है कि आपकी महाशिवरात्रि जो रहती है, महाशिवरात्रि में आप लोग भी फास्ट करते हैं, रोजे की तरह रहते हैं। बच्चियां हमारी हिंदू बहनें आ रही हैं और पढ़ रही हैं, वो लोग मुझे नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि अकबर भाई ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हम हमारे और फ्रेंड्स को भी ला रखे हैं। मैंने उनसे कहा सिर्फ जनरल वार्ड फ्री नहीं है, थ्री टाइम पेशेंट अगर जनरल वार्ड में जनरल बेड में एडमिट होता है तो बेड चार्जेस जीरो, डॉक्टर चार्जेस जीरो, नर्सिंग चार्जेस जीरो, और तीन टाइम पेशेंट को खाना भी देते हैं हमारे पास फ्री। आप बोलो कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है तो बताओ, क्या कोई बीजेपी कर रही है, क्या कोई कांग्रेस कर रही है, कोई काम कर रहा है क्या ऐसा काम? तो हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, हमारे स्कूल में भेजिए, हम देखेंगे। बहुत सारे आज हमारे स्कूल्स में 15,000 चिल्ड्रन में 500 से ज्यादा कैसे बच्चे हैं मालूम आपको, जिनके फादर नहीं है, ऑर्फन है, फादर की डेथ हो गई, सिर्फ मदर है। तो वैसे 500 बच्चे हमारे पास है और 200 एंड चेंज ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर ने उनके मदर को डिवोर्स दे दिया, छोड़ दिया, एक औरत अकेली है बच्चे के साथ में, उसका हस्बैंड नहीं है। तो वैसे बच्चों को भी हम पढ़ा रहे और फिर 200-300 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके मदर या फादर को या तो कैंसर हुआ है या फिर उनके किडनीज खराब हुए हैं। तो उनके असेंबली में महाशिवरात्रि के बाद हॉलीडे देने के लिए मैं था जो बोला हूं हॉलीडे के लिए। आप बोलो कोई और बोलकर करवाया? न सिर्फ ये, आप लोग जानते हैं कि लाल दरवाजे की आपकी मंदिर के लिए आवाज मैं उठाया और आपसे कह रहा हूं कि लाल दरवाजे की मंदिर बहुत शानदार बनेगी, अच्छी बनेगी। किसी को हम वहां से निकाल रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट लैंड भी दे रहे हैं, उनको कंपनसेशन भी दे रहे हैं, और वो मंदिर के लिए आवाज कौन उठाए? मैं उठाया, MIM पार्टी। तो मैं आपसे, और आप देखते हैं असेंबली में हम जमीनी बात करते हैं तो हम ओल्ड सिटी की बात करते हैं, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओल्ड सिटी की तरक्की की बात करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए, करीब आइए, हम पहचानिए हमको और उसके बाद में फैसला करिए कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। हम दोस्त नहीं बन सके तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये गारंटी तो जरूर दूंगा कि हम कभी आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। प्लीज मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चों को भी भेजो, हमारे ये दरवाजे, हमारे डोर्स आपके लिए भी खुले हैं, ये इंस्टीट्यूट आपका भी है, आइए अपने बच्चों को पढ़ाए। कौन कर रहा है बताओ? पूरे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, पॉलिटिकल स्पीच देते हैं, अच्छे भाषण देते हैं, वो हमारे पास उर्दू में बोलते हैं, वो हथेली में जन्नत दिखा के चले जाते हैं। मैं हथेली में जन्नत नहीं दिखाता हूं, दुनिया में तालीम के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, अच्छा बनाने का काम करता हूं। आप भी आओ उसमें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं,
आपके जो भी जानने पहचानने वाले हैं उनको बोलो, टेंथ के फ्री क्लासेस है, इंटरमीडिएट के फ्री क्लासेस है, ट्यूशन, ग्रेजुएशन के है, फिर ये जीएसटी चल रहा है, देखो आप जीएसटी अकाउंटिंग का भी डिप्लोमा कोर्स है हमारे पास, हमारे बच्चे अगर वो कर लिए तो एज एन अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं कहीं भी जाकर, कई कोर्सेज है, आओ आप हम मिलके करेंगे। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि जैसे हमारे मुस्लिम स्लम एरिया में स्कूल्स जैसे बनाया है, आइंदा 5 साल में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एरिया में अगर कोई जमीन मिलती है तो खरीद कर मेरे हिंदू भाइयों के एरिया में भी एक ऐसा स्कूल हम बनाएंगे, ये मेरा ड्रीम है, मैं करूंगा ये काम। लोग कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी कम्युनल है, मैं बताऊंगा कि मैं कम्युनल नहीं हूं, मैं मुसलमानों के साथ साथ मेरे हिंदुओं भाइयों की भी फिक्र करूंगा, क्योंकि ओल्ड सिटी में ये भी रहते हैं और ये भी गरीबी का शिकार है, ये भी मुसीबत के शिकार है, ये भी तकलीफ के शिकार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे हॉस्पिटल है ओवैसी हॉस्पिटल है, आपके पास भी कई ऐसे हैं सीरियस इलनेस के उनके मदर या फादर कैंसर या कुछ किडनी फेलियर की वजह से परेशान है, तो आइए उनको भेजिए हमारे स्कूल्स में, हम फ्री एजुकेशन देंगे, उनके कैरियर को हम बनाएंगे, उनको आगे बढ़कर डॉक्टर इंजीनियर हम बनाएंगे, आप हम मिलकर बनाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए आप और हम मिलकर काम करें। आज ये जो चेक्स दिए जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि एप्लीकेंट्स बहुत है, सैंक्शन कम लोगों को हुआ, ठीक है, आज जितनों को आया है, जिनको नहीं आया है उनके लिए इलेक्शन के बाद लड़कर हम उनको भी दिलाएंगे, हम कोशिश करेंगे उनको भी। असेंबली में आपका ये एमएलए है, लड़ेगा, माइनॉरिटीज के लिए लड़ेगा, मुसलमानों के लिए लड़ेगा, हिंदुओं के लिए भी लड़ेगा, सिख के भी के लिए लड़ेगा, ईसाई के लिए लड़ेगा। आइए आप और हम सब मिलकर काम करते हैं, ओल्ड सिटी को ओल्ड सिटी से ज्यादा गोल्ड सिटी बनाते हैं और ब्यूटीफुल सिटी बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। మేము కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము అక్బరుద్దీన్ సాహబ్కి, మాకు ఈ చెక్ ఇచ్చినందుకు మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది, ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము, ఎన్నో వాగ్దానాలు కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మాకు తెలుగు వారి గురించి, వీటన్నిటి గురించి కూడా మేము చాలా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాము, స్కూళ్ళ గురించి పిల్లల స్కూళ్ళ గురించి ఎడ్యుకేషన్ గురించి కూడా హామీ ఇచ్చారు మాకు, చాలా ధన్యవాదాలు అక్బరు సాహబ్కి, నమస్కారం సార్, నాకు ఈ చెక్ 100,000 రూపాయల చెక్ వచ్చేందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను, ఈ అక్బరుద్దీన్ సార్ మీటింగ్ చూసి కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది కొంచెం ఎంఐఎం అంటే కొంచెం వేరే ఆలోచనలు అటువంటివి ఉంటాయి, కానీ ఆయన మీటింగ్ వల్ల నాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ అనిపించింది, ఆయన హిందూ ముస్లిం గురించి చెప్పడము, ఇప్పుడు వాళ్ళ స్కూళ్ళల్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన ఓవైసీ స్కూళ్ళు అటువంటి దానిలో కూడా ఇప్పుడు మన తెలుగు వారికి కూడా హిందువులకు కూడా ఏమైనా ఏమంటారు అంటే అవకాశాలు ఇస్తామని అనడం మాట చాలా సంతోషం అనిపించింది, ఇంకోటి ఆయన కూడా చేసే కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెప్తే కూడా మాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది, ఇంకా చెప్పాలంటే కొంచెం ఆయన అంతా చెప్పలేక వస్తాడు, కానీ హ్యాపీ అనిపించింది సార్, అంతకంటే ఎక్కువ నేను చెప్పలేకపోయాను, కానీ ఇన్ని ఇన్నిసార్లు నేను ఇప్పటివరకు ఇన్నంతవరకు అయితే కొంచెము అంత ఏమంటారు ఓవైసీ సార్ అంటే ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ గురించే చూస్తారు అనే వాళ్ళ భావన చాలామంది దగ్గర ఉండే, కానీ ఆయన మాటలు విన్నాక మాత్రం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు, ఇంకా కూడా ఆయన కూడా ఇంకా కూడా ఎప్పుడంటే మన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఓవైసీ స్కూల్లో చేరడానికి కొంచెం ఆయన ఇంత ఫ్రీగా చేస్తున్నారంటే కూడా ఇక్కడ మనకు ఎంఐఎం సార్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు బీసీ లోన్లు 100,000 రూపాయలు చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది, నేను పొలకమ్మ వీరభద్ర వీరమృష్టి సంఘం కులం మాది, మా సభ్యులకు 1st విడతలో 12 మందికి వచ్చింది, 2nd విడతలో ఇప్పుడు 16 మందికి వచ్చింది, మొత్తము 30 మందికి వీరభద్ర వీరమృష్టి కులం తరఫున
మేము తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క 100,000 రూపాయలు చెక్ ఇచ్చినందుకు సార్కు మరొకసారి మేము మా కులం తరపు నుంచి అందరికీ సార్ తరపున అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఒకసారి సార్కు మనం అందరము జయవర్ధం. అక్బరుద్దీన్ సాబ్ అక్బరుద్దీన్ సాబ్. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है. शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े. जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम. खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से. मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, महमूद लेक व्यू कन्वेंशन. बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें. MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद,